Hello dear students, कैसे हैं आप? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका pKa वैल्यू किस तरह से इफेक्टेड होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कौन सी दूसरी प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करती हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फिनोल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया था और वहाँ हमने देखा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनोल कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इसमें जो जी की वैल्यू थी वो नाइट्रो एल्डिहाइड कीटोन हो सकती थी। अगर हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन इसमें सिर्फ एफ हो सकता था, सीएल बीआर और आई कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल नहीं थे। और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट क्या आया था, वहाँ पे हमने ये देखा था कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में आया था। और अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या के ए वैल्यू की बात की जाए तो इसका जो पैरा आइसोमर था उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से ज़्यादा थी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का कारण ये था कि पैरा आइसोमर में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ वीक होने का कारण ये था इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा हमने और कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते थे। किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होती है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि इसके पैरा आइसोमर में होती है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन बिटवीन वन, जिसे हम ऑर्थो आइसोमर में एक्सप्लेन किए थे जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा एक और तरीका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि कंपाउंड ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है या फिर उसके कंजुगेट बेस ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का एक तरीका और है कि आप वो पूरा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है या फिर वो अपना एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसमें जो फिनोल होता है वो पूरा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी कि इसमें यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज होने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि सैलिसिलिक एसिड में इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका जो कंजुगेट बेस होता है, यानी कि यहाँ से एच पॉजिटिव निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सैलिसिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर OMe ग्रुप लगा हुआ है। और GOC के अकॉर्डिंग OH जो ग्रुप होता है इसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है इसमें प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस आई, जिसमें प्लस एम इफेक्ट इसमें डोमिनेट होता है। और इसी तरह से OMe ग्रुप में दो इफेक्ट होते हैं, एक इसमें प्लस एम होता है, दूसरा माइनस आई होता है, अगेन इसमें प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है। और अगर इन दोनों का आपस में कंपेयर करें तो GOC में हमने देखा है कि जो OH ग्रुप होता है इसका प्लस एम इफेक्ट OMe से डोमिनेट होता है। इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने से पहले सैलिसिलिक एसिड में ये जानना जरूरी है कि इसके पास दो तरह के एसिडिक एच हैं, और हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा देखा है कि जो फिनोल का एसिडिक एच होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में लेस एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना एच पॉजिटिव रिलीज करता है तो उससे दो इक्विवेलेंट RS बनती है, जबकि फिनोल के थ्रू रिलीज होने वाले एच से जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन में माइग्रेट करता है और उससे नॉन इक्विवेलेंट RS बनती है, और इक्विवेलेंट RS हमेशा नॉन इक्विवेलेंट RS पे ज़्यादा डोमिनेट होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए सैलिसिलिक एसिड में फर्स्ट एच हमेशा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ही निकलता है। अब हम बात करते हैं दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की। इसके लिए इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से यहाँ से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके हम कार्बोक्सिलेट आयन यानी कंजुगेट बेस बना लेते हैं। और प्रीवियस वीडियो हमने देखा है कि कार्बोक्सिलेट आयन जब कंजुगेट बेस बनता है तो उसके इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इसका कंजुगेट बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू ही स्टेबलाइज होता है। बट इसमें जो OH या OMe ग्रुप लगे हुए हैं उनका डोमिनेट इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। चूँकि OH का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है
इसलिए इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज हो जाना चाहिए था, क्योंकि OH अपने स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट के कारण उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, जबकि इस कंपाउंड में OMe का प्लस M इफेक्ट है, बट ये OH के कंपैरिजन में उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड का जो CB होगा उसको इस कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है इन दोनों कंपाउंड में से इस कंपाउंड के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, इसलिए इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो कंपाउंड सेकेंड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ज़्यादा आनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये नोट करनी है, क्या वास्तव में इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे यानी सैलिसिलिक एसिड से ज़्यादा आती है। इसके लिए हमको इसके pKa वैल्यू को देखना होगा। अगर हम इसके pKa वैल्यू की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड का जो pKa वैल्यू होती है वो 2.98 होती है, जबकि इस कंपाउंड की pKa वैल्यू जो होती है वो 4.09 होती है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा देखा है कि जिस कंपाउंड की pKa वैल्यू कम होती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है pKa वैल्यू बता रही है कि सैलिसिलिक एसिड को ज़्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के कारण हम ऐसा कह रहे हैं कि इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका ऑब्जर्व ऑर्डर क्या आएगा? ऑब्जर्व ऑर्डर का मतलब ये है कि जो pKa वैल्यू शो कर रही है वो इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व ऑर्डर होगा। वो ये बता रहा है कि सैलिसिलिक एसिड इस कंपाउंड से ज़्यादा अच्छा एसिड है। तो ऐसा क्यों हो गया कि हमको दोनों अपोजिट ऑर्डर मिल रहे हैं? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको सैलिसिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर करना पड़ेगा। और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करने के बाद हम ये स्टेटमेंट दे पाएंगे कि इन दोनों में से सैलिसिलिक एसिड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। एक हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों कंपाउंड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो एच होता है ये फिनोलिक एच से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए इन दोनों कंपाउंड में यहाँ से एक एच को रिमूव करके इसके कंजुगेट बेस को ड्रॉ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंजुगेट बेस के बीच में होती है, यानी पहले एच पॉजिटिव रिमूव होता है उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि फिनोल के केस में फिनोल का मॉलिक्यूल एच रिलीज करने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, यानी कि फिनोल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जबकि इसका कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इस ऑर्थो आइसोमर के कंजुगेट बेस में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल होती है, इसलिए इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जबकि पैरा आइसोमर के कंजुगेट बेस में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल होती है, इसलिए इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए पहली रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट K1 है और दूसरी रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट K2 है, तो हमको ये देखना है कि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी रेट पर, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर क्या इम्पैक्ट आता है। इन दोनों मॉलिक्यूल की सभी तरह की प्रॉपर्टीज को हम इसके कॉन्जुगेट बेस में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अधिक होती है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल होने वाली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल होने वाली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ में ऑर्थो आइसोमर की स्ट्रेंथ पैरा से ज़्यादा होती है। चूँकि ऑर्थो आइसोमर में यहाँ से एच निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पैरा आइसोमर के कंजुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए इन दोनों में से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्थो आइसोमर यानी सैलिसिलिक एसिड की पैरा आइसोमर से ज़्यादा आती है। इसी कारण से ऑर्थो आइसोमर की Ka वैल्यू पैरा आइसोमर से ज़्यादा हो जाती है। अगर फर्स्ट रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट K1 है और सेकेंड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट K2 है तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? चूँकि ऑर्थो आइसोमर का जो कंजुगेट बेस बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए अगर इन दोनों रिएक्शन की रेट की बात की जाए तो पहली वाली रिएक्शन जिसका रेट कॉन्स्टेंट K1 है वो K2 से फास्ट होती है। अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल की। पैरा आइसोमर में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा एक OH फ्री रहता है जो कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए पैरा आइसोमर में कई सारे मॉलिक्यूल के जुड़ने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, इसलिए अगर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए तो पैरा आइसोमर में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्थो के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब अगर इसके ऑर्थो और पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए
चूंकि पैरा आइसोमर के कंजुगेट बेस में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है और इसके एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए पैरा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो आइसोमर से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका फ्रैक्शन पहले मिलता है। चूंकि इसमें ऑर्थो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए इसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के दौरान ऑर्थो आइसोमर का फ्रैक्शन पैरा से पहले मिलता है। अगर वाटर सोल्युबिलिटी की बात की जाए, पैरा आइसोमर के कंजुगेट बेस में यहाँ पर एक OH ग्रुप फ्री रहता है जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, इसलिए इसका जो पैरा आइसोमर होता है उसकी ऑर्थो आइसोमर से ज़्यादा वाटर सोल्युबिलिटी होती है। इन दोनों आइसोमर को हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि कंपाउंड की वाटर के साथ इंटरेक्शन लिस्ट होना चाहिए। चूंकि इसका पैरा आइसोमर वाटर के साथ इस फ्री OH के कारण ज़्यादा इंटरेक्शन कर लेता है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान ऑर्थो आइसोमर का फ्रैक्शन पैरा से पहले मिलता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे अब हम क्लियरली स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसके ऑर्थो आइसोमर के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस रिजल्ट को हम इसके पीके वैल्यू से कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब मान लो इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन इस कंपाउंड के साथ किया जाए जिसकी 2 नंबर और 6 नंबर पोजीशन पर 2 OH रखे हैं, यानी कि ये हमारे पास 2,6-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होगी, इसको हम इसके कंजुगेट बेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इस कंपाउंड के यहाँ से H निकालने के बाद कंजुगेट बेस को ड्रॉ किया जाए वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चूंकि कार्बोक्सिलेट आयन में 2 equivalent RS होती है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो इन दोनों ऑक्सीजन पर डे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। अब ये दोनों ऑक्सीजन इन दोनों OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड में दोनों OH के साथ 2 बार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में केवल 1 बार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इसमें 2 बार हो रही है, इसलिए इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसको इसके पीके वैल्यू से कन्फर्म कर सकते हैं, और इसकी पीके वैल्यू 2.30 होती है। अगर इस पूरी सीरीज को हम इसके डेटा के साथ कोरिलेट करें तो जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और दोनों ही एसिड में यहाँ से एक H निकलने के बाद इसके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है, और इसका कंजुगेट बेस जो होता है इस OH के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है। चूंकि इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। इसको हम इनके पीके वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू 4.19 होती है, और जबकि सैलिसिलिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो 2.98 होती है। और एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने ऐसे देखा है कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इन दोनों में से सैलिसिलिक एसिड जो होगा वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाइज, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिसिटी को स्टार्ट करेंगे, और स्ट्रक्चरल और बेसिसिटी में क्या रिलेशन होता है, किस तरह किस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसकी बेसिसिटी पे इम्पैक्ट डेवलप करती है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे।